सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, आज का सीएम राइज स्कूलों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं हम। जो समझ सीएम राइज शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम राइज सह अकादमिक पदों के लिए योग्यता परीक्षा 30 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन डीपीआई ने जारी किए निर्देश। साथियों, कुछ साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सीएम राइस सह अकादमिक पदों के लिए किसके द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा। तो हम बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आपकी शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन होना है। आइए पूरी खबर हम देखते हैं। सीएम राइस को एकेडमिक पोस्ट वेरिफिकेशन। सीएम राइज स्कूल में सह अकादमिक पदों संगीत, नृत्य, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं खेलकूद शिक्षक विषय के शिक्षकों की पदस्थापना की जानी है। आपको बता दें कि सीएम राइज स्कूल की योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 275 स्कूल अगले माह अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई भोपाल द्वारा शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर परीक्षा के माध्यम से सीएम राइज स्कूलों में पद पूर्ति की प्रक्रिया प्रचलित में है। आगे देखेंगे साथियों अपडेट। सीएम राइज स्कूलों में शैक्षणिक विषयवार पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। साथ ही इन शिक्षकों का वेरिफिकेशन भी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करवाया जा चुका है। सह अकादमिक पद जैसे संगीत, नृत्य, कला, क्राफ्ट एवं खेलकूद, कंप्यूटर प्रयोगशाला शिक्षक आदि के लिए विमर्श पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद इन पदों की मेरिट लिस्ट जारी की गई। अब सह अकादमिक पदों की पूर्ति के लिए आवेदन पत्र में भरी गई शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन किया जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। साथियों, सीएम राइज स्कूलों में सह अकादमिक पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वह अंतिम पड़ाव में है। अप्रैल माह में इसकी फाइनल सूची जारी हो जाएगी। इस हेतु विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है। संलग्न सूची के अनुसार आवेदकों के सह अकादमिक पदों के लिए आवेदन से संबंधित तो द्वारा दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण किया जाना है। कृपया संबंधित शिक्षकों द्वारा दी गई शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणीकरण कर 30 मार्च 2022 स्वयं 5 बजे तक जानकारी संलग्न प्रपत्र में हस्ताक्षर कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, 30 मार्च 2022 इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, उनका वेरिफिकेशन होना है। तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट सीएम राइज स्कूलों के संबंध में सह अकादमिक पदों के लिए। और भी अन्य अपडेट पाने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।